कितने क्लियर है। दादी है किसी लड़की, बहुत बढ़िया पेंटिंग है सर ये वाले तो। एक्चुअली मैं ये काम करता नहीं, मैं इमेजिनेटिव काम करता हूँ। जैसे कुछ सपने में कुछ चीज़ आ गई तो वो ड्रॉ करनी है जो मर्जी हो जाए, चाहे 10 बार फाड़ना पड़े। यार काम बहुत किया हमने, लेकिन वो कहते हैं ना जो एक अंदर वो खुंदक रह जाती है, साली वो निकली नहीं पूरी। बड़ा अच्छा दोस्त है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट। हाँ जी, आपने बनाई है सर? लगता तो ऐसे ही आप ही लग रहे हैं। मुझे भी लगता है कभी कभी नहीं। ये तो आसान सी है, बड़ी जल्दी बन गई, पर कई बार बहुत टफ स्केच आ जाते हैं बनाने में, वो भी करने पड़ते हैं। आर्ट एग्जीबिशन नीचे लगा हुआ है, मैं इन चीज़ों से अक चुका हूँ। एक्चुअली मुझे फिल्म का बड़ा शौक, मूवीज ना बड़े रोक रोक के देखता हूँ मैं चैनल, मुझे बड़ा शौक है देखने का। शौकीन रहे हैं पहले से? भाग मिल्खा भाग का मैंने एक एक शॉट फ्रीज करके देखा, खासकर जो पट्टी वाला होता, पट्टी कटती है ना जो भाग का है, वो मैंने फ्रीज करके देखा। जो मुझे बड़ा शौक है कि मैं इलस्ट्रेटर हूँ ना, तो मैं फिर शॉट के एंगल भी वो लेता हूँ, लो एंगल, साइड एंगल, टॉप एंगल, अचानक से डायनेमिक शॉट ले लिया, कोई फिश आई ले लिया, बिल्डिंगें गोल कर दी साइड। मुझे शुरू से बड़ा एड एजेंसी का बंदा हूँ ना, इतनी नॉलेज मुझे है कि ये कौन से एंगल में शूट होना चाहिए। यार काम बहुत किया हमने, लेकिन वो कहते हैं ना जो एक अंदर वो खुंदक रह जाती है, साली वो निकली नहीं पूरी। खुबू ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्रिंटर से निकला हुआ है। सर ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। सीरियसली सर, जो बंदा ये कहता है प्रिंटर से निकला है, उसका मतलब है मैंने मेहनत बहुत करी है। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बनाया सर। एक सज्जन अभी आए थे, बोले कि ये तो क्या लग रहा है जो ये है। अरे मैंने कहा सर, मैंने हाथ रखा, मैंने कहा सर आपने क्या बात बोल दी। कह रहे नहीं नहीं सर, इसमें जान नहीं इसमें आ गई, बड़ी मेहनत करी है इसमें। सर इसके पिक्सल्स फट जाएंगे, इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। हाँ ये नहीं फटे, ये तो कई साल के लिए हो गई है, फ्रेम करा के लगा देंगे दीवार पे, कई साल रहनी है। अब सर इसके कुछ और नमूने सर आपने जो बना रखे हैं? दो चार आप प्लीज दिखाएंगे सर? काफी टाइम से रखे हैं, कुछ तो एक दो तो ले नहीं आए। एक्चुअली मैं ये काम करता नहीं, मैं इमेजिनेटिव काम करता हूँ। जैसे मैंने कोई विजुअल दिमाग में आ गया, वो बनाने बनाना, वो बनाना ही बनाना। अच्छा। जो मर्जी हो जाए, चाहे 10 बार फाड़ के बनाऊँ बनाना, वो मैं इस टाइम है नहीं, हमारा घर रखे हुए। वो सर मेमोरी में स्टोर रहती है? हम बना नहीं, नहीं मैंने स्केच अपने रखे हुए इमेजिनेटिव, मैंने जैसे कुछ सपने में कुछ चीज़ आ गई तो वो ड्रॉ करनी है जो मर्जी हो जाए, चाहे 10 बार फाड़ना पड़े। सपने में कई बार भूल जाते हैं ना? ना ना मैं नहीं भूलता, मैं नहीं, सपने की चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो फिर आप बना के हटो उसको जब लग जाओ। एक दिखाता हूँ स्केच, मैंने अपनी अपनी मर्जी से बनाया था। ये इमेजिनेटिव है? नहीं नहीं नहीं, किसी का बनाया था, लेकिन मैंने बाद में उसको अपनी तरीके से बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, वो मैंने दिया नहीं उसको, तो मेरा काम है वो पर्सनल, ये बनाया बहुत बढ़िया था। ये था लड़का, ये उसकी गर्लफ्रेंड देगी। अच्छा बहुत बढ़िया, कुछ काम ऐसे होते हैं अपने अपने लिए करता हूँ। ये मैंने उसको दिखाया तो वो कहती है आई डोंट हैव वर्ड्स, आपने पहले बताया था तो मैं ऐसे ही करवाती आप। मैं कहा ये मैंने बनाया अपने लिए। और इसी पेंसिल से बनाते हैं आपके सामने ही। ये जो इफेक्ट है ना लाइटिंग का, सारा मेरा अपना अपनी सोच से बनाया है। फॉर समवन यू लव। दादी है किसी लड़की, बहुत बढ़िया पेंटिंग है सर ये वाले तो। एक बार सर, बहुत बढ़िया पेंटिंग। नेपाल का कपल अपने लिए बनाया। सो
कुछ काम ऐसे होते हैं अपने लिए करता हूँ लोगों को दिखाने के लिए।